नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और आज अंतिम पेपर थे, तो आज हिंदी शिक्षण का जो पेपर हुआ है उससे संबंधित आइए उसके आंसर पर विचार करें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी शिक्षण का आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा कथन भाषा के विषय में सही नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिया गया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाषा का अंतिम स्वरूप निश्चित है, ऐसा नहीं है। आइए प्रश्न संख्या दो को देखा जाए। प्रश्न संख्या दो आपसे पूछा गया था, कब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत कर भाषा शिक्षा का समाधान करने का प्रयास किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या तीसरा को देखा जाए। प्रश्न संख्या तीन पूछा गया था, भाषा सीखने की प्रक्रिया में चार ऑप्शन आपके सम्मुख थे, इसका सही उत्तर है जो होगा कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में ऑप्शन सी सही है, बोलना सीखना पढ़ना व सुनने की क्रियाएं अभ्यास व प्रशिक्षण और अनुकरण, यानी यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या चार पर विचार किया जाए। प्रश्न संख्या चार था, मातृभाषा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये भी है ऑप्शन डी होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या पाँच आपसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या पाँच, यहाँ देखिए नौ संख्या आ गया है, आगे वो प्रश्न मिलेगा तो हम लोग उसको देख लिया जाएगा, क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप उसे देख लें, प्रश्न के क्रमांक से मिला लीजिएगा। नौ नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, साहित्य में रुचि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, इनमें से कौन मौन वाचन का प्रकार नहीं है। इसका आपका जो चार ऑप्शन आपके सम्मुख थे, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, 10 का त्वरित वाचन। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आपसे, वाचन शिक्षण की विधियां हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और प्रश्न संख्या 12 जो दिया हुआ था, इनमें से किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क ख ग घ ङ, जो क वर्ग है या कंठस्य है। तो आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एक इधर उधर हो गया था, तो प्रश्न संख्या 5 को आप देख लें। प्रश्न संख्या 5 था, अर्थ ग्रहण उद्देशक से अभिप्राय है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, धैर्यपूर्वक श्रवण पठन एवं भावानुभूति। प्रश्न संख्या 6 था, इनमें से कौन मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। तो इसका चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर प्रश्न संख्या 6 का है, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि या मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखें। प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ था कि सुंदर वाचन की इनमें से कौन विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शीघ्र वाचन या जोर से वाचन, यह सुंदर वाचन की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 8 को देखें, पूछा गया था किसने कहा कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, जिसके स्वर से अभिव्यक्ति होती है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख दिया हुआ है, सुमित्रानंदन पंत, कोंच, स्वीट, प्लेटो। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे गेस जा रहा है
ए और बी दोनों से एक होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ए के साथ जा रहा हूँ। आप इसका आंसर अगर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, या हमें अगर पहले प्राप्त होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में लिखकर आपको बता दूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। उधर हम लोग 12 कर लिए थे, 13वां प्रश्न जो दिया हुआ है वह दिया था आपके सम्मुख। 13 नंबर प्रश्न है कि भाषा के सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए होगा। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है वह है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। प्रश्न संख्या 14 था प्रभावी भाषण निर्भर करता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख थे, आप सही आंसर का चयन किए होंगे। इसका सही उत्तर होगा भाषा कौशल पर, भाषण कौशल पर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखें। लेखन कौशल का अर्थ नहीं है अच्छा लेख लिखना, अच्छा काव्य लिखना, ध्वनि का लिप संकेतों में रूपांतरण, शुद्ध लिखना। तो इसका जो सही उत्तर प्रश्न संख्या 15 का होगा वह होगा ऑप्शन बी, अच्छा काव्य लिखना। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था किस भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों, समूहों, ध्वनियों एवं संकेतों के लिखित रूप को क्या कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी कि इसको लिपि कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। प्रश्न संख्या 17 को देखा जाए, 17 पूछा गया था सुंदर लेख अभ्यास के लिए आवश्यक है। तो सुंदर लेख अभ्यास के लिए आवश्यक है, चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन किए होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 18 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था शब्दों पर शिरोरेखा खींचने की आदत या विकास कराने हेतु शिक्षण को क्या करना चाहिए। तो यहाँ शिक्षण नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए होगा, यह थोड़ा वर्तनीय शुद्धियाँ हो गई हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका शब्दों पर शिरोरेखा खींचने के आदत का विकास कराने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर 18 नंबर प्रश्न का जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी होगा, कक्षा में लिखित अभ्यास करवाना। प्रश्न संख्या 19 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 19 पूछा था 6 व्यंजन इनमें से किसके योग से बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क और स से, जो पेट फड़ुआ स बोलते हैं वह दोनों क और ख, उसको भी बोलते हैं खटकोर बोलते हैं, उससे मिलके बनता है। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि विद्यार्थियों को श्रुत लेख क्यों लिखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्तनी के अशुद्धि में सुधार के लिए। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 21 जो है वह पूछा गया था आपसे। प्रश्न संख्या 21 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 21 कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कौन सा स्वस्वर वाचन की विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, तेज प्रवाह व ध्वनि में समानता। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था पठन का अर्थ है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखा जाए।
प्रश्न संख्या 23 पूछा था, इनमें से कौन सा माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खेल व प्रत्यक्ष चित्र विधि। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया, 24 पूछा गया था, इनमें से कौन लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, वाद विवाद। आइए प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, प्रश्न संख्या 25 को देखा जाए, टेक्निकल फॉल्ट इसमें कुछ आ रहा है, आप लोग थोड़ा इसके लिए सहयोग करें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आपसे कि मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 25 नंबर प्रश्न का, वह होगा आपका ऑप्शन डी, मौन वाचन। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, मौखिक अभिव्यक्ति की मुख्य विशेषताओं में कौन सम्मिलित कौन नहीं सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशलों की व्याख्या की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12। प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से किसके शिक्षण में हम आगमन एवं निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, व्याकरण शिक्षण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 जो था, प्रश्न संख्या 29 को देखें। प्रश्न संख्या 29 जो पूछा गया था, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है बाबू, प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, आइए देखते हैं, 29 का क्लियर नहीं फोटो आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा 29 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, और 30 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका 30 नंबर का प्रश्न डी, उत्तर इसका होगा डी, और 31 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका बी होगा, 31 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और प्रश्न संख्या 32 आप इसे देख लीजिएगा, इसमें क्लियर फोटो में नहीं आ पाया है, प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न संख्या 33 को देखा जाए, प्रश्न संख्या 29 देखिए, यहाँ पे क्लियर आ गया, प्रश्न संख्या 29 है। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आनंददायी शिक्षण का उद्देश्य है, तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही होगा इसका, और 30 नंबर प्रश्न था मौन पठन का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया उपरोक्त सभी। और प्रश्न संख्या 31 था, भाषा आवश्यक माध्यम नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी, दूसरों की बातों को समझने का। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखा जाए, प्रश्न संख्या 32 था, 31 का जो आंसर है आपका वह बी है, और 32 नंबर प्रश्न था, भाषा के विकास में कौन सी शक्ति आधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शारीरिक शक्ति। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, भाषा संसार का नाट्यमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की, देखिए ये भी प्रश्न क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, सही से फोटो नहीं आया, हृदय क्या दिया है उसको आप देख लीजिएगा, वह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, एक परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन का आंसर यहाँ लग रहा है, लेकिन मैं इसमें सी के साथ डॉक्टर श्याम सुंदर दास के साथ जा रहा हूँ, और इसका जैसे ही क्लियर आंसर मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखा जाए, प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, मातृभाषा का अर्थ नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ। आइए प्रश्न संख्या 35 को देखा जाए, प्रश्न संख्या 35 पूछा था कि हिंदी शिक्षण में सामान्य उद्देश्यों का संबंध है, तो हिंदी
शिक्षण में सामान्य उद्देश्यों का जो संबंध है, 35 नंबर प्रश्न था, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदी मातृभाषा के विविध पक्षों के विकास से, प्रश्न संख्या 36 था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में सौंदर्य अनुभूति और सृजनशीलता का विकास करना, प्राथमिक स्तर के बच्चे इतने योग्य नहीं होते हैं कि वो सौंदर्य अनुभूति और सृजनशीलता का विकास किया जा सके, तो यह उद्देश्य नहीं होता है प्राथमिक स्तर पर। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 के बाद देखते हैं, 37 इधर उधर हो गया है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे आ गया है प्रश्न संख्या 41। तो प्रश्न संख्या 41 पूछा था कि पूर्ण से अंश की ओर का सूत्र संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, से पहले वाक्य फिर शब्द तब वर्ण की ओर, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भाषा के कौशल में शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, जो होगा इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आपसे, किशोर काल में भाषाई विकास की सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए होगा, कल्पनाशीलता किशोराकाल में भाषाई विकास की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न संख्या 44 है, श्रवण दोष का कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो होगा 44 नंबर प्रश्न का ए, अशिक्षित होना, ऐसा तो है नहीं कि अशिक्षित होंगे आप तो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो अशिक्षित होना होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें, जो प्रश्न संख्या 45 देखिए इधर हो गया था, 37 जो छूटा हुआ था उसे देख लें। प्रश्न संख्या 37 था, त्रिभाषा सूत्र से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी हिंदी अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा। प्रश्न संख्या 38 है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 38 नंबर प्रश्न का वह होगा ऑप्शन ए, शारीरिक अस्वस्थता वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए, शारीरिक अस्वस्थता का कोई मतलब नहीं होता है। आइए प्रश्न संख्या 39 को देखा जाए, पूछा गया था हिंदी भाषा शिक्षण के रुचि का सिद्धांत से तात्पर्य है, तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, छात्रों में उत्साहवर्धन एवं उन्हें प्रश्नचित करने हेतु विषय वस्तु को रुचिकर बनाना। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था शिक्षण सूत्रों की रचना किस शिक्षा शास्त्री ने की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। आइए अगले प्रश्न को देखें, जैसा कि हम लोग 41 से 45 कर भी चुके हैं, अब प्रश्न संख्या 49 आ गया, हम लोग क्या किए थे यहाँ पे 44 किए थे, फिर प्रश्न इधर उधर क्रम हो गया है, आप क्रम को देख लीजिएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 49 है, प्रश्न संख्या 49 पूछा था भाषा का सामान्यतः दो रूप होता है, इसका सही उत्तर का चयन करिए आप लोग, इसका सही उत्तर जो है 49 नंबर प्रश्न का, इसका सही उत्तर होगा आपका सामान्यतः दो रूप है जो, वह होगा ऑप्शन बी, मौखिक एवं लिखित। और प्रश्न संख्या 50 है, जो वाणी से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं, किसका कथन है, तो यहाँ हमें कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं यहाँ ए के साथ जाता हूँ, स्वामी विवेकानंद और सुमित्रानंदन पंत और प्रसाद जी में हमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो स्वामी विवेकानंद पर जाता हूँ, ए ऑप्शन पर आप लोग देख लीजिएगा। अगर सही उत्तर मिलेगा पहले आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा, और यदि हमें पता चलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर दे दूंगा। वैसे मैं स्वामी विवेकानंद के साथ जा रहा हूँ। अगले प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न संख्या 51 पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण की विशिष्ट व्याख्या की है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रोफेसर एलन ने। प्रश्न संख्या 52 पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन बी, शिक्षण कौशलों में, तो प्रश्न संख्या 52 हो गया।
आइए अगले प्रश्न को देखें, कौन सा प्रश्न आता है। अगला प्रश्न जो है आपका, वह देखिए जो छूटा हुआ था 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न है कि पाठचर्या व पाठ्य विवरण में अंतर यह है कि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो होगा सही होगा 45 का। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, मातृभाषा शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा दी गई। सही उत्तर ऑप्शन सी, फ्रावेल के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, खेल विद को प्रदान करने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम है, तो कालवेल्ड कुक महोदय ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 48 था, प्रजक प्रणाली की विशेषता क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, भाषा की शिक्षा स्वाभाविक रूप से एक साथ कई विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। आइए अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न जो आपके सामने है 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देखें, प्रस्तावना कौशल हेतु आवश्यक नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनः प्रेक्षण होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 54 है, सस्वर वाचन का दो प्रकार है, तो प्रश्न संख्या जो 54 दिया हुआ है इसका भी आंसर थोड़ा डाउट में था, लेकिन मैं सस्वर वाचन का जो दो पाठ है उसका अगर देखा जाए तो मैं बी के साथ जा रहा हूँ, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन, इसका भी आंसर जैसे आएगा या आप लोग देखिएगा बताइएगा क्या होता है, मैं बी के साथ जा रहा हूँ, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन के साथ। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 55 था, मातृभाषा में सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मातृभाषा शिक्षण को प्रभावशाली तथा बोधगम्य बनाने हेतु। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया था, भाषा की सहायक सामग्री में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रजिस्टर कुर्सी मेज। आइए अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है, प्रश्न संख्या 57 है, भाषा शिक्षण में शामिल नहीं है, तो भाषा शिक्षण में जो शामिल नहीं है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 58 है, गद्य की विद्या नहीं है, तो गद्य की विधा जो नहीं है वह ऑप्शन बी है, कविता और व्याकरण। प्रश्न संख्या 59 पूछा गया था आपसे कि शिक्षण, 59 पूछा गया था, गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दो अवंति में प्रश्न संख्या 60 पूछा गया था, गद्य शिक्षण में आदर्श वाचन में ध्यान रखा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, विराम अर्धचिह्नों अर्धविराम चिन्हों का। आइए प्रश्न संख्या अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या आप लोगों से पूछा गया था, तो प्रश्न संख्या जो हम लोग इस पे 60 तक बात कर लिए थे बात, 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कविता शिक्षण में लागू नहीं होता, तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 61 का, वो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पाठ को दो अवंतियों में बांटना ऐसा नहीं है कविता शिक्षण में। प्रश्न संख्या 62 पूछा गया था, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा आपका भाषा का सर्वनाम सुख स्वच्छा करना है तो होगा ही, शब्दियोलंक होगा, बालक की रुचियों व्यक्तियों समाज के अनुकूल आदर्श अनुकूल बनाना, इसका सी आंसर जो होगा वो सही होगा अब 62 का प्रश्न। ये अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 63 पूछा गया था, मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाषा शिक्षण की शिक्षण संबंधी क्रियाओं और छात्रों की उपलब्धियों का मापन कराना। प्रश्न संख्या 64 जो है उसको देखा जाए, आपसे पूछा गया था 64 का, भाषा शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारणों को जानकर उसने दूर करना, तो 64 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए, अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 65 आपसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या 65 पूछा गया था कि भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान का विषय नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते। प्रश्न संख्या 66 था, भाषा कक्ष की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर 66 नंबर प्रश्न का होगा ऑप्शन बी, बच्चों का मनोरंजन होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 67 आपसे पूछा गया था कि भाषा शिक्षण में पुस्तकालय के लिए आवश्यक नहीं है, तो सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए 67 का। प्रश्न संख्या 68 है, हिंदी भाषा शिक्षण में इकाइयों का निर्माण इस आधार पर नहीं होता है, तो इसका जो सही उत्तर 68 नंबर प्रश्न का होगा वह सही उत्तर आपका डी ऑप्शन होगा, अलग अलग विषयों को संबंधित करने के आधार पर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 69 था आपके समक्ष, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है, सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रयोगशाला का होना। प्रश्न संख्या 70 पूछा गया था, हिंदी शिक्षक की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, हिंदी शिक्षक की विशेषता नहीं है, पश्चिमी विचारधाराओं को महत्व देने वाला। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 71 आपसे पूछा गया था, हिंदी शिक्षण की कक्षा में छात्रों द्वारा मौन वाचन के दौरान अध्यापक क्या कर रहा होता है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह देखना कि छात्र मौन वाचन कर रहे हैं कि नहीं। प्रश्न संख्या 72 है, हिंदी शिक्षण हेतु पाठ योजना बनाना निम्नलिखित में से कैसा कार्य है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, प्रश्न संख्या 73 था, वह पूछा गया था कि प्रक्षेपक हिंदी शिक्षण में निम्नलिखित में से कैसा साधन है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, दृश्य सहायक साधन है। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से कितने प्रमुख प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 प्रकार, श्रव्य दृश्य और शब्द दृश्य। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 75 आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन हिंदी की कहानी सुनने वाली विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुंदर व्यक्तित्व। प्रश्न संख्या 76 था, कौन सा पुनर्बलन कक्षा कक्ष में शिक्षक को प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वह प्रश्न संख्या 77 नंबर था, वह था सुंदर लिखावट का कौन कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, सुंदर व्यक्तित्व। प्रश्न संख्या 78 पूछा गया था, इनमें से क्या भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका 78 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का भाषा के प्रति प्रेम का ज्ञान। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 79 आपसे पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध उच्चारण का कौन कारण नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डरपोक होना। प्रश्न संख्या 80 पूछा गया था, इनमें से कौन प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नों की क्लिष्टता, ऐसा प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो मित्रों, आज हम लोग इतना देखे, अब इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक और बीएड से संबंधित जैसी सूचना होगी, और यदि आप लोगों की कोई भी समस्या है आगे करियर को लेकर, बीएड के बाद आपको क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं यथासंभव अपना सुझाव दूंगा और आपका सहयोग करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आज इतना ही, नमस्कार।